high speed internet, supersonic jet, instant coffee, instant noodles. अगर हम आपसे कहें कि दुनिया धीमी पड़ रही है तो क्या आप मानेंगे? लोग कहते हैं कि वक्त कब उड़ जाता है पता नहीं चलता, लेकिन पिछले 100 सालों में चाहे वो 1920 का दशक हो, 60 का या 80 का, हमारे दिन असल में लंबे होते जा रहे हैं। इससे पहले कि आप सवालों की लाइन लगा दें, हम ये साफ कर देते हैं कि एक दिन के औसत वक्त में केवल 1.7 मिलीसेकंड की बढ़त हुई है। लेकिन क्या हो अगर आप अपने दिन को थोड़ा और जी पाएं? क्या हो अगर वो हसीन शामें कभी खत्म ही ना हो? क्या हो अगर एक दिन एक साल के बराबर हो जाए और उस वक्त में आप पूरी धरती के चक्कर लगा सकें? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर धरती अचानक घूमना बंद कर दे। धरती की घूमने की औसत रफ्तार 1000 मील प्रति घंटा है, जिससे हमें दिन रात हवाएं, ज्वार और तापमान जैसी चीजों में अंतर देखने को मिलते हैं। तो क्या हो अगर धरती का घूमना, जो कि हमारे वजूद के लिए इतना अहम है, अचानक बंद हो जाए? जरा सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और शानदार स्पोर्ट्स कार है, मजा आ रहा है ना? खुली सड़कें आपको बुला रही हैं, कोई ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई हाईवे पेट्रोल ऑफिसर। तो आप अब इसकी टॉप स्पीड आजमाना चाहते हैं और 1000 मील प्रति घंटे पर आप गाड़ी चलाते हैं। अचानक से एक अड़चन आती है, आप ब्रेक लगाते हैं, आपकी गाड़ी अचानक रुक जाती है, पर आप नहीं रुकते। कुछ ऐसा ही होगा जब धरती अचानक घूमना बंद कर दे। हर वो चीज जो ठीक तरह से बंधी या रुकी नहीं है, वो पूर्व की तरफ 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती चली जाएगी। इंसान, गाड़ियां, यहां तक कि जानवर भी। आज तक में सबसे तेज हवा चलने का रिकॉर्ड 253 मील प्रति घंटे का है। इस जगह हम इससे भी 4 गुना तेज हवाओं की बात कर रहे हैं, जो कि एक एटम बम फटने के जैसी होंगी। 1 मिनट से भी कम वक्त में तेज सुनामियां जमीनी हिस्से पर 17 मील अंदर तक दस्तक देने लगेंगी। दुनिया के सागरों का सारा पानी पोल्स की तरफ भागने लगेगा। चूंकि ग्लोब में इक्वेटर की तरफ उभार होता है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव धरती के सेंटर के करीब होते हैं और इसीलिए यहाँ ग्रेविटी का खिंचाव ज्यादा होता है। 7 समुद्र 2 में तब्दील हो जाएंगे, जहाँ एक बड़ा सागर बनेगा उत्तर में और दूसरा दक्षिण में। कनाडा और ज्यादातर यूरोप और रूस पूरी तरह से डूब जाएगा। बोस्टन, शिकागो और सियाटल पानी के नीचे चले जाएंगे और इनके साथ अर्जेंटीना, चिली और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्से भी। सागरों के इधर उधर होने से इक्वेटर के पास एक बड़ा महाद्वीप बन जाएगा, जो पूरी धरती को घेर रहा होगा। हालांकि ऐसा होने से बचे हुए सभी लोग जमीन के एक ही टुकड़े पर होने के चलते एक दूसरे का साथ दे सकेंगे, पर सुधार लाने लायक कुछ खास बचा नहीं होगा। संसाधनों में कमी आ जाएगी, दुनिया में बड़े पैमाने पर सूखा पड़ेगा, ज्यादातर प्रजातियां अगर विलुप्त नहीं भी हुई तो संख्या में बेहद कम हो जाएंगी। क्योंकि एक दिन एक साल के बराबर होगा, खेती को संभालना नामुमकिन होने लगेगा। दूसरे शब्दों में, आपको 6 महीनों तक सूरज की रोशनी नजर आएगी और अगले 6 महीने केवल अंधेरा। इससे मौसमों का बदलना भी बंद हो जाएगा। और आखिरकार इसका सबसे खतरनाक नतीजा होगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड का न रहना। हमें दिशाएं बताने के अलावा धरती की मैग्नेटिक फील्ड हमारे जीने के लिए जरूरी है। ये सोलर हवाओं की दिशा को बदलती है, यानी इसके ना होने पर ये हवाएं ओजोन लेयर को भेदकर हम पर खतरनाक रेडिएशन की बारिश करवा सकती हैं। खतरनाक कॉस्मिक किरणें इस ग्रह पर रहने वाले हर जीव को मार देंगी और वक्त के साथ साथ जिस धरती को हम जानते हैं वो मंगल ग्रह में बदल जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, हम तो मंगल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और शायद वहां रहने की भी। क्या मंगल और धरती आपस में जगह बदलने वाले हैं? क्या इसे ही कहते हैं एक चक्र में घूमना? अगर हम तुरंत नहीं भी रुकते तो भी एक दिन तो ये होना ही है, करीब 18.5 अरब सालों में। तो अभी के लिए जो वक्त है उसे जी भर जिए, अपने हर दिन और रात को बेहतरीन बनाएं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी खुलकर जिंदगी जीने को कहें। और दिलचस्प कंटेंट के लिए देखते रहें क्या हो अगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।